बच्चों, गणपति के चरणों के पास हमेशा एक छोटा सा चूहा होता ही है। गणपति को मोदक का नैवेद्य चढ़ाने के बाद चूहे को भी करंजी देना पड़ता है। गणपति जैसे विशाल देहधारी देवता को चूहे जैसा छोटा सा वाहन कैसे मिला होगा, इस बात का हमें आश्चर्य होता ही है। तो गणपति को चूहे जैसा छोटा सा वाहन क्यों मिला, इसकी बात है ये। एक बार इंद्र सभा में समारोह में गाने के लिए इंद्र ने क्रौंच नामक गंधर्व को बुलवाया। तभी भागते भागते इंद्र सभा में आते हुए इस क्रौंच गंधर्व की लात वहीं बैठे हुए वामदेव नामक महर्षि को लगी। परिणाम रूप वामदेव अति क्रोधित हो उठे। उन्होंने गंधर्व को श्राप दिया, तू चूहा बनेगा। उनके श्राप के कारण क्रौंच का रूपांतर चूहे में हो गया और वो चूहे के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। इस चूहे ने पराशर ऋषि के आश्रम में खलबली मचा दी। आश्रम के अन्न धान्य का सत्यानाश करने लगा। आश्रम के पदार्थ खा खा कर उसने आश्रम वासियों और पराशर मुनि को परेशान करके छोड़ा। इतना ही नहीं, आश्रम के ग्रंथ, पुस्तकें और कपड़े भी काट डाले। आश्रम के समग्र शिष्यगण ने इस चूहे को पकड़ने के लिए मानो जंग छेड़ दी। पर ना किसी का भी परिश्रम यशस्वी नहीं हुआ। अंत में पराशर ऋषि ने श्री गणेश को प्रार्थना की, हे गजानन, हमें इस चूहे की परेशानी से मुक्त करवाइए। गणपति प्रकट हुए और युक्तिपूर्वक अपना जाल इस चूहे पर डाला। अतः अपनी मुक्ति के लिए चूहा गणपति को विनती करने लगा। चूहा अपनी शरण में आया, इसलिए प्रसन्न होकर गणपति ने उसे वर मांगने को कहा। पर चूहे का उन्माद अब भी कम नहीं हो रहा था। उसने गर्व से गणपति से कहा, तुमसे मुझे कोई वर नहीं चाहिए, उल्टा तुम मुझसे वर मांग सकते हो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर गणपति तुरंत ही बोले, ठीक है, आज से तुम मेरे वाहन बन जाओ। और गणपति ने उसी वक्त चूहे की पीठ पर आसन जमा लिया। गणपति के बोझ से चूहा दीन सा हो गया और उसी दिन से चूहा गणपति का वाहन बन गया।